दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं रौनक खान और आप सबका स्वागत है खान और फर्नीचर का। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मेरा सेकंड हैंड फर्नीचर का काम है और मैं कोठी से सेकंड हैंड फर्नीचर उठाता हूँ, उसे मॉडिफाई करके आप लोग को सस्ते दाम में पहुँचाता हूँ। दोस्तों अभी मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है फर्नीचर रखने का ढंग सीखे खान ओल्ड फर्नीचर के संग। जहाँ दोस्तों उसमें मैं नए नए टिप्स बता रहा हूँ कि कैसे आप बेस्ट कर सकते हो, कैसे अपने फर्नीचर का रखरखाव कर सकते हो। दोस्तों आज मैं बेहतरीन एक पॉलिश का लेके आया हूँ। मैं कहीं से गुजर रहा था तो वहाँ पर एक शानदार कोई व्यक्ति थे जो बहुत अच्छा पॉलिश कर रहे थे। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएगी कैसे पॉलिश किया जाए। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉलिश कैसे होती है और किस क्वालिटी की होती है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों रौनक खान और ये देखिए मैं इस वक्त आपको लेके आया हूँ पॉलिश का काम। जी हाँ, ये टीक की पॉलिश हो रही है सागवान की और कैसे पॉलिश होती है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं देख सकते हैं इसमें बिनियर और इन्होंने लकड़ का लगाया हुआ है। अब ये इसमें सीलर का काम कर रहे हैं पॉलिश का और देखिए कैसे किस तरीके से इसके अंदर ये क्वालिटी आ रही है आप देख सकते हैं। देखिए देख रहे हैं आप, ये देखिए या दोस्तों ये इसमें पॉलिश का काम हो रहा है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का यहाँ पॉलिश होता है। दोस्तों आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं एक साइड से आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे देखा कि यहाँ बेहतरीन पॉलिश का काम हो रहा है। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए क्योंकि पॉलिश कैसे होता है, मेरे व्यूवर्स इसके लिए बहुत कमेंट्स भी करते हैं कि हमें बताइए कैसे पॉलिश होगा, क्या यूज़ करें। तो ये सीलर का काम कर रहे हैं दोस्तों। अभी ये जब ये सीलर का काम हो जाएगा, जब ये सूखने के बाद, इसके बाद एक हाथ इस पर रेक माल लगने के बाद, फिर उस पर आपका जो है ना इस पर फिर हाई ग्लोसी का काम होगा मशीन से। देखिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों आप किस तरीके से भैया इसको पॉलिश कर रहे हैं इस वक्त। ये बहुत ही लुक, बहुत ही बेहतरीन लुक आ रहा है इसमें। देखिए मैं आपको बहुत करीब से दिखाना चाहूँगा दोस्तों। रेशे रेशे का भी काम इस पर हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा एक एक रेशा आ रहा होगा इसके अंदर। आप देखिए तो ये देखिए पूरा सीलर का काम हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन जो मेरा चल रहा है इस वक्त फर्नीचर रखने का ढंग सीखे खान ओल्ड फर्नीचर के संग। ये सीरीज़ में मैं आपको पॉलिश का लेके आया हूँ कि कैसे पॉलिश होती है, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दिया आपको मैंने। ऐसे वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों और मैं और भी अच्छे अच्छे जानकारी लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अच्छे फर्नीचर के रखरखाव के टिप्स मिलते रहें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।